हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डिज्नी की तरफ से आने वाली फिल्म जंगल क्रूज के ट्रेलर के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस ट्रेलर में, जिस वजह से हमें ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं। यानी एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग तो यहाँ पर बनती ही है, क्योंकि आपको यहाँ पर फिल्म की स्टोरी से रिलेटेड भी काफी सारी डिटेल मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, क्या आपको ये बात पता है कि जंगल क्रश फिल्म को इसी महीने 11 अक्टूबर को रिलीज किया जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म को काफी ज्यादा डिले कर दिया गया और अब हमें ये फिल्म नेक्स्ट ईयर 24 जुलाई को देखने मिलेगी। बट स्टूडियो के अकॉर्डिंग ये फिल्म डिले इसलिए हुई है क्योंकि डिज्नी की तरफ से इस फिल्म के VFX वर्क को जल्दी कम्प्लीट नहीं किया गया और उन्ही कारणों से ये फिल्म इतना लेट हो गई। और जबकि इस फिल्म के ट्रेलर को हमारे सामने रखा गया है, उस ट्रेलर को भी देखकर हमें ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि शायद कहीं ना कहीं फिल्म के VFX वर्क में काफी सारे काम बाकी है अब भी, क्योंकि फिल्म की शूटिंग 2018 के एंड में ही खत्म कर दी गई थी और बाकी का काम रह गया था VFX का, जिसे टाइम पर कंप्लीट नहीं किया गया है। वेल, तो ये रीजन हो गया कि ये फिल्म टाइम पर रिलीज क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि जब कभी भी ऐसी बड़ी फिल्मों का प्रोजेक्ट रुकता है तो डेफिनेटली फिल्मों को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर निकल कर आती है। और ऐसी ही प्रॉब्लम एक बड़ी साइफाई फिल्म जॉज वॉकिंग के साथ भी हुई है, जो फिल्म काफी सालों से लटकी हुई है। जबकि उस फिल्म का बजट और फिल्म के डायरेक्टर काफी ज्यादा अच्छे है, लेकिन फिर भी उस फिल्म को अच्छा खासा डिले कर दिया गया है। खैर, तो उस फिल्म की बात एक अलग ही वीडियो में करेंगे, जहां पर मैं आपको डिटेल में ये समझाऊंगा कि एक्चुअल में जॉज वॉकिंग फिल्म के साथ में हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जंगल क्रूज फिल्म के बारे में। वेल, तो आप सभी को मैंने एक बात समझाई थी इस फिल्म से रिलेटेड कि एक्चुअल में इस फिल्म को किस आइडिया से इंस्पायर कर बनाया गया है। और अगर आप वो बात भूल गए हैं तो सीधी और सिंपल बात कि इस फिल्म को डिज्नी के बने हुए थीम पार्क जंगल क्रूज की इंस्पिरेशन से बनाया गया है, जिसकी झलक हम इस फिल्म के ट्रेलर में साफ साफ देख सकते हैं, जहाँ पर ड्वेन जॉनसन का कैरेक्टर लोगों को अपनी बोट पर एक टूर पर ले जाता है अमेज़न के, जिसमें वो लोगों को साफ साफ बेवकूफ बनाता है कि एक्चुअल में अमेज़न जंगल इतना ज्यादा खतरनाक है, जिसमें हम ड्वेन जॉनसन के कैरेक्टर फ्रैंक को देख सकते हैं जो कुछ हैरतअंगेज कारनामे उन लोगों को कर दिखाता है। और ऐसा ही कुछ डिज्नीलैंड के जंगल क्रूज के थीम पार्क में होता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए काफी सारे जानवर देखने मिलते हैं, बट हाँ, सारे के सारे जानवर रियल नहीं होते, वो सभी एनिमेट्रॉनिक्स है। इन सब के अलावा हमें ट्राइबल हंटर्स की भी झलक नजर आती है, जिनमें से अगर हम एक ट्राइबल शख्स की तरफ काफी ज्यादा ध्यान से देखें तो सच में थोड़ा फनी होगा, क्योंकि मुझे ट्राइबल एक्चुअल में फिल्म के डायरेक्टर जाओमी कॉलेट सेरा लग रहे हैं, क्योंकि शक्ल बिल्कुल मैच होती है। बट हाँ, जिस तरीके की दोस्ती हम फ्रैंक और उन ट्राइबल सेंटर की देखते हैं, उसे देखकर तो ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि शायद ये लोग एक असली ट्राइबल्स नहीं है। यानी एक हिसाब से ये सभी लोग फ्रैंक के लिए काम करते हैं, ताकि लोगों की तरफ इसकी अट्रैक्शन बनी रहे, ताकि लोग ऐसे ही आकर बार बार बेवकूफ बनते रहे कि अमेज़न कितना ज्यादा खतरनाक होता है। जिसका मतलब साफ है कि लोगों को अमेज़न के जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि क्या अमेज़न के जंगल में ऐसे कोई राज छुपे भी हुए है या नहीं, क्योंकि लोग तो सिर्फ अमेज़न के जंगल में बैक साइड वाटर देखने आते हैं, यानी पानी के झरने, जो फ्रैंक उन्हें काफी बेवकूफ बनाकर दिखाता है। तो शायद हो सकता है कि इन्हीं कारणों से फ्रैंक का ये बिजनेस कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा होगा, इसलिए वो अमेज़न के जंगल के किसी भी एडवेंचर के लिए मान जाता है, बस उसे अच्छी रकम चाहिए। बट हाँ, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फ्रैंक को अमेज़न के जंगल के बारे में काफी कुछ पता है, यानी खास करके इसके मिथ, जिन्हें बस उस टाइम पर लोग एक अफवाह ही मानते हैं। और हो सकता है कि इस एडवेंचर के खत्म होने के बाद लोग इस मिथ को अब एक हकीकत माने। अब होने के लिए इस फिल्म में कुछ भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग इस राज पर से पर्दा हटाए ही ना, क्योंकि मैंने अब तक फिल्म नहीं देखी और ना ही आपने। खैर, लेकिन इन्हीं सभी चीजों का पता लगाने के लिए इस फिल्म में एंट्री होती है एक और एक कैरेक्टर की, यानी फिल्म की लीड एक्ट्रेस, जिनका नाम है लिली हुडसन। और इस कैरेक्टर का रोल इस फिल्म में प्ले कर रही है एमिली बॉल्ट, जिनकी परफॉर्मेंस को देखकर एक बात तो तय है कि डेफिनेटली ये फिल्म एंटरटेनमेंट से भरी होगी। और जिस तरीके की जर्नी फ्रैंक, लिली और लिली का भाई मैक जॉर्ज मिलकर तय करते हैं, उन्हें देखकर मुझे एक लेजेंड फिल्म की याद आ गई। अब नहीं, यहाँ मैं बात इंडियाना जोन्स फिल्म की सीरीज की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक एडवेंचर फिल्म को ज्यादातर तो उसी फिल्म के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वो एक वर्ल्ड क्लासिक एडवेंचर फिल्म है। बट ये फिल्म हमें याद दिलाती है 1951 में आई अफ्रीकन क्वीन फिल्म की, और फिल्म में भी फिल्म के दोनों कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री कुछ इसी तरीके की थी, और वो भी फिल्म एक एडवेंचर ड्रामा रोमांस फिल्म थी, जो उस दशक की एक हिट फिल्म है। तो अब आपको ये बात साफ साफ समझ आ गई होगी कि डिज्नी ने इसकी इंस्पिरेशन बाकी दूसरी फिल्मों से भी ली है, सिवाय अपने थीम पार्क के अलावा, जिसके बारे में मैं शायद अब बात करूं तो आपको बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और आप मुझे कमेंट में यही पूछोगे कि जब ये फिल्म बन सकती है तो डिज्नी उस दूसरी लेजेंड फिल्म की सीरीज को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा है फिलहाल तो अभी के लिए। वेल, तो उसका भी जवाब मैं आपको आगे देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं फिल्म की और कुछ प्लॉट की डिटेल्स के बारे में कि ये फिल्म हमें क्या अलग दिखाएगी। वेल, देखा जाए तो फिल्म हमें नया कुछ दिखाने वाली है नहीं, सिवाय फिल्म की ब्यूटीफुल डायरेक्शन के अलावा। और हाँ, जो इस फिल्म में अमेज़न के ट्री की बात की गई है, वैसी ही डिटेल हमने काफी सारी एडवेंचरस फिल्म में देखी है, खास करके एनाकोंडा 2 और उसके बाद अनचार्टेड 2 के गेम को कौन भूल सकता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर रेफरेंस आएगा फिर इंडियाना जोन्स फिल्म का भी। अगर रिसेंट की बात करें तो ऐसा ही प्लॉट हमने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की सीरीज में भी देखा था, जिस फिल्म का नाम था पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन द स्ट्रेंजर टाइड। और वैसा ही प्लॉट हमें इस
फिल्म में भी देखने मिल रहा है, जहां पर हम देख सकते हैं कि एमिली का कैरेक्टर लिली उसी एडवेंचर की तलाश में है, जहां पर उसे ये पता लगाना है कि अमेज़न का ये ट्वीक किस लोकेशन पर है और वो किस तरीके से काम करता है, और उसकी रिसर्च उसे ले गई है एक एरो हेड की तरफ जो उस अमेज़न में की का काम करेगा। कैसे, क्यों, डेफिनेटली वो डिटेल हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। बट इन सब के बीच हमें फिल्म के विलेन की एक झलक नजर आई, जिनका कैरेक्टर बनाया गया है पूरे के पूरे स्नेक से। फिलहाल तो ट्रेलर देखने में कुछ ऐसा ही हमें नजर आता है, यानी ये सिमिलर प्लॉट हमने ऑब्वियसली पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की सीरीज में देखा है डेविड जोन के जरिए से। और भी फिल्म के काफी सारे विलेन्स थे जिन्हें हमने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की सीरीज में देखा था, और ये कैरेक्टर कुछ उसी तरीके का हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। और देखने से ये बात भी साफ साफ पता चलती है कि एक्चुअल में ये कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि एडगर रेम्जी है, जो शायद किसी का वेट कर रहे थे कि वो लगाकर उन्हें एक सोई हुई नींद से जगाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इस अमेज़न ट्री को गार्ड करते हैं, ठीक इंडियाना जोन्स फिल्म के थर्ड पार्ट की तरह। और मैंने बस इसी बेसिस पर इस फिल्म को पायरेट्स की सीरीज के साथ में कंपेयर नहीं किया है। आप फिल्म के जोक्स देखो, उसके बाद फिल्म के ट्रैप्स, उसके बाद सुपरनेचुरल चीजें और कैरेक्टर्स, ये सारी की सारी चीजें हमें उसी फिल्म की बार बार याद दिला रही है। तो अब उस प्रॉब्लम की बात करें जो मैंने आपके साथ में पहले डिस्कस की, कि डिज्नी इस फिल्म से अच्छा एक लेजेंड फिल्म की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकता था, जो कि और कोई नहीं बल्कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की सीरीज ही है, जिस सीरीज के साथ में काफी सारे चेंजेस चल रहे हैं, खास करके फिल्म के लीड एक्टर जॉनी डेप यानी जैक स्पैरो को लेकर, कि हमें वो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के बाकी की सीरीज के पार्ट में नजर आने वाले है नहीं, और उनकी जगह फीमेल लीड कैरेक्टर को डिज्नी जल्दी कास्ट करने वाला है। बट अब उस फिल्म से रिलेटेड और कोई डिटेल निकल कर आई नहीं है, यहाँ तक कि ये भी नहीं कि जॉनी डेप हमें जैक स्पैरो के रोल में नजर आने वाले है या नहीं। इसीलिए फैंस काफी ज्यादा चिंता में है और उन्होंने एक पार्टीशन कर दिया है स्टार्ट, ताकि भारी से भारी मात्रा में जैक स्पैरो के फैन उस पार्टीशन को साइन करे और ये बता दे कि जैक स्पैरो की फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा तगड़ी है। और अब मुझे लगता है इस डिटेल से आपको ये बात साफ साफ पता चल गई होगी कि ये फिल्म कहीं ना कहीं पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की यूनिवर्स की फिल्म थी, जिसे एक अलग आइडिया के साथ डिज्नी ने एक अलग ही फिल्म बनाकर लोगों के सामने रख दिया। और देखा जाए तो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की सीरीज भी डिज्नी के दिमाग से कुछ इसी तरीके से निकल कर आई थी, यानी ऑब्वियसली जंगल क्रूज की तरह ही डिज्नी के पास पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का एक थीम पार्क था, जिसकी इंस्पिरेशन लेकर उसकी एक पूरी की पूरी फिल्म की फ्रेंचाइजी खड़ी कर दी गई, जिस फिल्म की फ्रेंचाइजी को लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। और उसके बाद जैक स्पैरो के कैरेक्टर जॉनी डेप पर लग गए मीटू के आरोप, जिसके कारण से उनकी फैन फॉलोइंग और उनका करियर पूरी तरीके से डाउनफॉल पर चला गया है। लेकिन हो सकता है कि ये चीजें फिर से ठीक हो जाए और जॉनी डेप हमें फिर से उनके लेजेंड एक्ट में नजर आ जाए। और इन सब के अलावा अगर बात करें फिल्म की रूमर की, तो फैंस ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया है और लोग ये कंक्लूजन पर निकले हैं कि जंगल क्रूज और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का यूनिवर्स आगे जाकर इस फिल्म से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा, यानी एक अच्छे खासे बड़े यूनिवर्स की फिल्म। वेल, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, और उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। वेल, इसका सबसे बड़ा रीजन है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म की टाइमलाइन, टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड बहुत ही पीछे है, इतना पीछे कि इन दोनों फिल्म के यूनिवर्स को कनेक्ट करने के लिए एक काफी लंबा टाइम जंप लेना होगा। क्योंकि देखा जाए तो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की फिल्म की सीरीज 1700 के टाइम पीरियड की है और जंगल क्रूज 1800 की टाइमलाइन में आकर बैठती है, जिससे ये गैप लगभग पूरे 100 सालों का पड़ जाता है। यानी आप इसकी ऐसी कोई उम्मीद ना रखो कि आगे चलकर ऐसा कुछ होगा। बट डिज्नी ये चेक कर रहा है कि क्या जंगल क्रूज लोगों को उतनी ज्यादा पसंद आएगी या नहीं, जितनी लोगों ने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की सीरीज को पसंद किया था। और उसके बाद शायद हो सकता है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के यूनिवर्स के अलावा इस फिल्म की यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू किया जाए। और अब बात कर ले फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, तो इस फिल्म के डायरेक्टर है जॉमी कल्टेसेरा, जिन्होंने उसके पहले काफी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है। और अगर उनके करियर की सबसे बेस्ट फिल्म की आप बात करो तो वो फिल्म है दी सोलोस, जो एक लाजवाब थ्रिलर ड्रामा थी। और इसके अलावा जॉमी ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में बनाई है उनमें से आधी से ज्यादा फिल्में उन्होंने बस एक ही एक्टर के साथ मिलकर बनाई है, जिनका नाम है लियम नीलसन। और ये सारी की सारी फिल्में हैं नॉन स्टॉप, अननोन, द कम्युनिटर और रन ऑल नाइट, जिनमें से मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई फिल्म पसंद आई है तो वो है द अननोन और दूसरी है रन ऑल द नाइट। बाकी की दोनों फिल्म एक ठीक ठाक एवरेज फिल्म थी। और इसके भी अलावा अगर आप कोई दूसरी फिल्म की बात करो तो वो फिल्म है ऑर्फेन और हाउस ऑफ वैक्स। और आप सबको ये भी बात पता होगी कि जॉमी को इसके पहले शज़ाम फिल्म के लिए अपॉइंट किया गया था डीसी की तरफ से, जिसके बाद डिज्नी ने एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफर की जॉमी को, जिसके बाद वो जंगल क्रूज के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गए और डीसी के हाथ से अच्छे टैलेंटेड डायरेक्टर चले गए। और अब सबसे बड़े क्वेश्चन की बात कर ले कि क्या इस फिल्म को हमारे इंडिया में हिंदी में रिलीज किया जाएगा या नहीं, तो जवाब है जी हाँ, 100% ये फिल्म हमारे इंडिया में हिंदी में रिलीज होगी, क्योंकि डिज्नी की ज्यादातर तो फिल्में हिंदी में ही रिलीज की जाती है हमारे इंडिया में, और जंगल क्रूज उन्हीं में से एक फिल्म है। और अब प्लीज आप कमेंट में ये मत लिखिएगा कि ड्वेन जॉनसन के कैरेक्टर को देखकर आपको ड्वेन जॉनसन की बाकी की दूसरी जंगल की फिल्मों की काफी ज्यादा याद आ रही है, क्योंकि आज की तारीख में ड्वेन जॉनसन को कुछ इसी सब्जेक्ट पर बनी हुई फिल्में ज्यादातर तो मिल रही है। लेकिन जी नहीं, इस फिल्म का उन सभी की सभी फिल्मों से कोई भी लेना देना नहीं है। वेल, तो अब आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है जंगल क्रूज फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप इस फिल्म या फिर कोई दूसरी और फिल्म से रिलेटेड मुझसे कोई अपडेट जानना चाहते हैं तो सीधे आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ पर मेरी ये
मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब टाइम पर दे पाऊँ। हालांकि आपको वहाँ पर जवाब थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि मैं आपको आपके सवालों के जवाब 100% देने की कोशिश करूंगा। खैर तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।